सत श्री अकाल जी। सुरखापी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के विच तुहाडे तक लैके आए हाँ अज दियां हुण तक दियां ताज़ा वड्डियां ते अहम खबरां। अज दी सब तो जरूरी खबर है पंजाब दे स्कूली विद्यार्थियों बारे कि पंजाब सरकार ने प्राइमरी जमातों समेत सारे स्कूलों खोलण संबंधी वड्डा ऐलान कर दिता है। 27 जनवरी तो लगनगियां तीजी चौथी दियां जमातां। पहली जमात भी लगेगी फरवरी के महीने तो। इस बारे पूरी खबर ते करांगे विचार चर्चा। भाई जगतार सिंह हवारा जो कि अपनी सज़ा भुगतण तो बाद भी लंबे समय तो जेल दे विच बंद ने, उन्हां दी जमानत पटीशन अदालत ने कर दिती है रद्द। अदालत का कहना है जिन्ना चेर उन्हां दे उत्ते लगे केस हजे चलते ने उन्नी देर तक उन्हां नूं नहीं मिलेगी जमानत। ट्रैक्टर रैली दे मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट ने दखल देन तो कर दिती है कोरी ना, जिदे तो बाद केंद्र सरकार ने अपनी पाई हुई पटीशन ली है वापस। 10वें गेड़ दी बैठक विच केंद्र सरकार ने बताया एक कदम अगे किसानां दे अगे रखियां दो पेशकश, कहा कि कानूनां नूं दो साल तक रोक दिंदे हां ते सांझी कमेटी बनाउंदे हां इस मसले नूं जड़ तो उखेड़न दे वास्ते। ते इसे बैठक दे विच केंद्र सरकार नूं घेरिया किसानां ने NIA दे नोटिसां दे मुद्दे ते। दसांगे खबरां दे इस बुलेटिन दे विच पूरी गलबात के इस बैठक दे विच की होया, किसानां ने केंद्र सरकार दी पेशकश दे संबंध विच की फैसला लिया है। किसानी अंदोलन दे दरमियान एक वड्डी खबर जिहड़ी कि सामने आई है, इस अंदोलन दे चलदे होए एक होर नवी किसान मजदूर पार्टी बन के उभरी है। उस पार्टी दा दावा है कि इस पार्टी दे विच प्रधान ते आगू सब किसान ते मजदूर ही बनणगे। केड़ी है एक कमेटी, की है उसका मंतव ते की है इस बारे किसानां दा जां आम लोकां दा फैसला, इस बारे भी देवांगे पूरी खबर। हुण जाणदे हां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वलों पंजाब दे स्कूलों वास्ते पंजाब दे विद्यार्थियों वास्ते एक वड्डा ऐलान किया है कि सारे स्कूल छोटियां जमातां भी लग्या करनगियां। सारे स्कूल मुड़ तो खोले जा रहे हैं। जिहड़े विद्यार्थी काफ़ी समय तो उड़ीक कर रहे सी कि कदों तो पूर्ण रूप दे विच स्कूल खुलण, क्योंकि ये पहला ही ऐलान कर दिता गया सी कि 5वीं तो लैके 12वीं दीआं जमातां तां लग रहीआं ने, पर छोटी जमात दे विद्यार्थी हजे घरे ही बैठे सी उन्हां दे वास्ते भी यह वड्डी खबर है। दरअसल पंजाब स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने दस्या है कि मापिआं दे वल्लों आ रही लगातार मंग दे मद्देनज़र पंजाब सरकार दे वल्लों यह फैसला किया गया है। पंजाब सरकार ने प्राइमरी क्लासां वास्ते 27 जनवरी तो सरकारी एडड अते प्राइवेट स्कूल खोलण दी शर्तां सहित प्रवानगी दे दित्ती है। मुख्यमंत्री दी सहमति तो बाद तीजी अते चौथी क्लास वास्ते स्कूल 27 जनवरी तो खुलण जा रहे ने, ते इसे तरह इहदे तो बाद 1 फरवरी तो पहली ते दूजी जमात दे विद्यार्थियों वास्ते भी स्कूलों दे विच क्लासां जिहड़ियां ओह लाईआं जाणगीआं। स्कूल खुलण ते बंद होण दा समां जो पहलां सी उही होवेगा, सवेरे 10 बजे तो लैके दुपहर दे 3 बजे तक। ते बच्चों नूं स्कूल भेजण तो पहलां मापिआं नूं लिखती सहमति जरूर देनी पवेगी, क्योंकि ये क्लासां दे विच बच्चे छोटे ने ते उस संबंध दे विच मापिआं दी लिखती सहमति स्कूल नूं जरूरी चाहीदी है कि बच्चों नूं इजाजत मापे दिंदे ने जां फिर नहीं। स्कूल सिक्ख्या दे विभाग दे अधिकारियां ते होरनां स्कूल प्रबंधकां नूं स्कूल खोलण तो पहलां इमारतां दी पूरी साफ सफाई सही ढंग नाल करवाउण दे नाल नाल कोरोना वायरस संबंधी जारी हदायतां दी सख्ती नाल पालना करन दी हदायत कर दित्ती गई है। सिंगला ने दस्या है कि स्कूल खोलण ते बच्चां दी सुरक्षा यकीनी बनाउण वास्ते जल्द ही सिक्ख्या विभाग दे वल्लों हदायतां जिला अफसरां नूं ते स्कूल प्रबंधकां नूं जारी कर दित्तियां जाणगियां। कैबिनेट मंत्री ने दस्या है कि 5वीं तो लैके 12वीं जमात दे विद्यार्थियों वास्ते जदों स्कूल खोले गए उहदे तों बाद ही मापिआं जिला सिक्ख्या अफसरां ते अध्यापकां दे वल्लों लगातार सिफारिश की जा रही सी कि प्राइमरी क्लासां दे विद्यार्थियों नूं भी स्कूल आ के क्लासां लाउण दी इजाजत दित्ती जावे, जिहदे तों बाद उस दे इसे दे मद्देनज़र हुण पहली जमात तों लै के चौथी जमात दे स्कूल खोलण दी भी इजाजत जिहड़ी ओह शर्तां सहित दे दित्ती गई है। बबर खालसा इंटरनैशनल दे मैंबर भाई जगतार सिंह हवारा जो कि अपनी सज़ा पूरी कर चुके ने ते उहदे तों बाद भी हजे जेल दे विच पिछले लंबे समय तो बंद ने, उहनां दी जमानत पटीशन जिहड़ी कि ज़िला अदालत दे वल्लों खारज कर दित्ती गई है रद्द कर दित्ती गई है। दरअसल अदालत ने आदेश दे विच कहा है कि भाई हवारा दे खिलाफ़ वख-वख थावां उत्ते 37 केस दर्ज किए गए ने ते उहनां नूं कई मामलों दे विच उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने उहनां दे खिलाफ़ CRPC की धारा 268 लाई है
जिस दे मद्देनज़र उन्होंने कहा है इस धारा के अकॉर्डिंग इस धारा के अनुसार कि उन्होंने जेल तो बाहर नहीं कढ़िया जा सकता तो उन्होंने जमानत हजे नहीं दी जा सकती। दस दिए कि इस तो पहला भी भाई हवारा ने जिला अदालत में जमानत वास्ते अर्जी दायर की सी, अपील की सी कि लंबे समय तो उन्होंने सुनवाई पेंडिंग है, लंबे समय तो वह जेल में बंद ने, उन्होंने अजिहे जमानत दी जाए। दरअसल भाई हवारा ने तिहाड़ जेल तो पैरोल लैन के दो मामलों में जमानत मंगी सी, पर अदालत ने कह दिता है कि कानून के मुताबिक भाई जगतार सिंह हवारा के खिलाफ सबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या से दूजा केस देश विरुद्ध जंग की तैयारी साजिश रचन सैना बनाने हथियार इकट्ठे करन दा है। सो ये दोवें केस हजे भी जिला अदालत दे विच विचार अधीन ने, जदों तक केस खत्म नहीं हो जाते उदों तक भाई हवारा नूं अदालत दे वल्लों जां कानून दे तौर उत्ते जिहड़ी जमानत है वह नहीं दित्ती जा सकती। हुण गल करदे हां किसानी अंदोलन दे चलदे होए जो 26 जनवरी नूं किसानां दी ट्रैक्टर ट्राली परेड होण जा रही है। ट्रैक्टर परेड नूं लैके काफ़ी माहौल जिहड़ा गरमाया होया है। दिल्ली पुलिस नूं भाजड़ां पईआं होईआं ने, केंद्र सरकार नूं वी भाजड़ां पईआं होईआं ने। दिल्ली पुलिस दी किसानां दे नाल दो वार बैठक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस मनाउण दी कोशिश कर रही है कि जिहड़ी परेड आ उह दिल्ली तों बाहर कीती जावे, पर किसानां दा कहना है कि दिल्ली दे जिहड़ी अंदरली रोड आ जिसनूं बाहरी रिंग रोड कहा जांदा है, इह जिहड़ी परेड उत्थे होवेगी। सो जिहड़ी दिल्ली पुलिस आ उह इह जिहड़ी रोड आ इक दिन वास्ते किसानां वास्ते खाली कर देवे, ते इसे दे तहत केंद्र सरकार दे वल्लों जां दिल्ली पुलिस दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई सी कि किसानां दे उत्ते रोक लाई जावे, इस दिन उह अपना प्रदर्शन ना करन, दिल्ली दे अंदर ना करन, बाहर कर लैन। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पटीशन दे उते सुनवाई करदिआं इस मामले दे विच दखल देण तों पूर्ण तौर उते इनकार कर दिता है, कोरी ना कर दिती है। सिखरली अदालत ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली दा मुद्दा सरकार दे अधिकार खेत्र विच आउंदा है, यह मुद्दा पूर्ण तौर उते पुलिस दे कोल है ते इस मसले दे नाल नजिठण दे अधिकार भी पुलिस दे कोल ने, क्योंकि यह अमन ते कानून दे नाल जुड़िया होया मसला है जिहदे बारे अदालत कोई भी हुक्म पास नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि असीं पिछली सुनवाई दे दौरान भी तुहानूं कहा सी कि असीं अजिहियां कोई हदायतां नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला पुलिस के नाल जुड़िया होया है। असी तुहानू अर्जी वापस लैण की इजाजत दिंदे हाँ, तुहाडे कोल हुक्म जारी करन दीआं ताकतां ने, तुसी करो जो तुसी करना है, जो फैसला तुसी लैना है, अजिहे हुक्म देना अदालत का काम नहीं है। सो सिखरली अदालत दीआं अजिहियां टिप्पणियां तो बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के राही अपनी यह दाखिल की गई पटीशन वापस लै ली है। तो उधर किसानों का ऐलान जिहड़ा है वह पूरी तौर उत्ते दृढ़ है कि 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड होवेगी, रिंग रोड उत्ते होवेगी, दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर दाखिल किए जाएंगे, तो हर हाल के ट्रैक्टर रैली होगी। वो वक्री गल है कि इसनों लैके जिहड़े लोगों ने जिहड़े किसानों ने इस रैली के शामिल होना है उन्हां वास्ते हदायत जारी कीतियां ने कि ट्रैक्टर परेड के दौरान कोई भी हिंसक कार्रवाई ना की जाए, कोई भी रौला रप्पा ना पाया जाए, पूर्ण तौर उत्ते शांतमई यह परेड होवेगी जिहदे विच तिरंगा झंडा अपने वाहनों उत्ते लाया जा सकता है जां फिर किसानी झंडा लाया जा सकता है। किसान जथेबंदियां दे आगू ते केंद्र सरकार दे मंत्रियां दे विचाले 10वें गेड़ दी बैठक कल 20 जनवरी नूं होई सी। हुण अगली बैठक एक होर कल दी बैठक दे विचों निकली है जो कि कल नूं 22 जनवरी नूं हो जा रही है, पर कल 10वें गेड़ दी बैठक जो कि बेसिट्टा दसी जा रही है उहदे विच सरकार ने किसानां दे अगे दो पेशकश रखियां ने। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह तीन विवादित खेती कानूनों डेढ़ तो लैके दो साल तक मुअत्तल कर सकती है, तो इस मुद्दे उत्ते बनी खड़ोत नूं खत्म करन दे लई सांझी कमेटी गठित करन वास्ते तैयार है। बेशक किसान आगुआं ने इस तजवीज़ नूं फौरी स्वीकार करन तों ना कर दिता, कल दी बैठक दे विच ही ना कर दिता सी, पर इस नूं एक किसानी जित जरूर मन्निया जा रहा है। तो किसान आगुआं ने कहा है कि वह संयुक्त किसान मोर्चे विच शामिल सारियां संबंधित धिरां दे नाल सलाह मशवरे करन मगरों जवाब देणगे। किसान यूनियन अज इस बारे मीटिंग करके कोई फैसला लैणगे। मीटिंग कल दी दे विच किसान आगुआं ने कह दिता सी कि साडे नाल देश भर दीआं 500 संगठन जिहड़े उह जुड़े होए ने, ते ये जिहड़ा फैसला आ असीं इकल्ले नहीं कर सकते। अज उन्हां दी सिंघू बार्डर उत्ते मीटिंग होवेगी बाकी जथेबंदियां दे नाल, उहदे तों बाद इस बारे कोई विचार होवेगा। अगले गेड़ की गलबात 22 जनवरी नूं होवेगी। सरकार की इस पेशकश बारे किसान आगू जोगिंदर सिंह उगराहा ने कहा है कि सरकार ने खेती कानूनों नूं मुअत्तल किए जाने की एक तजवीज़ अगे रखी है, असीं तजवीज़ नूं रद्द कर दिता है, पर क्यों जो ये तजवीज़ सरकार दे वल्लों आई है, सो मीटिंग करके ये उत्ते विचार चर्चा जरूर की जाएगी। उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा है कि मोर्चे ने सरकार की तजवीज़ उत्ते
चर्चा वास्ते 21 जनवरी यानी कि अज दे दिन नू मीटिंग सद ली है, पर केंद्र सरकार नू ए वी साफ कर दिता है कि 3 खेती कानूनां नू रद्द करन उते ही किसान कायम ने, यही उन्हां दी मंग है, इहदे तों पिछे वो नहीं हटणगे। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल का भी कहना है कि सरकार की पेशकश बारे पहलां पंजाब दीआं जथेबंदियां दे नाल चर्चा की जाएगी, फिर यह मामला देश दीआं सारीआं जथेबंदियां दे नाल विचारिया जाएगा। हरियाणा के किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च ये प्रोग्राम अते होर ऐलाने गए प्रोग्राम उवें ही ने जिवें पहले सी, ट्रैक्टर मार्च उस तरह होवेगा, इस बाबत कोई भी प्रोग्राम रद्द नहीं किया जा रहा। 10वें गेड़ की मीटिंग के दौरान सरकार ने 3 खेती कानूनों के सोध की पेशकश भी की, पर किसान यूनियन अपनियां मंगां दे उत्ते कायम रहे ने। इस 10वें गेड़ की मीटिंग दे विच एक होर जड़ी गल खास रही ओ है NIA दे वल्लों वख-वख शख्सियतां नूं जो नोटिस भेजे गए ने उन्हां बारे। ये भेजे गए समनां दा मुद्दा किसान आगुआं ने सरकार दे अगे उभारिया। आगुआं ने कहा कि नोटिस महज किसान अंदोलन दे हमायतियां नूं तंग परेशान करन उन्हां नूं डराउण वास्ते भेजे गए हन। सरकार दे वल्लों पेश केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल ते मंत्री सोम प्रकाश ने किसानों नूं यह भरोसा जरूर दवा दिता है कि वह इस मुद्दे के उत्ते गौर करनगे ते किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिमला तो जो 3 किसानों नूं गिरफ्तार किया गया उन्हां दे नाल जुड़िया हुआ मुद्दा भी इस मीटिंग दे विच उठाया गया। इस मुद्दे के उपर जिहड़ी मोदी सरकार है वह काफ़ी घिरी हुई नज़र आई। किसान आगुआं ने मोदी सरकार नूं पूरी तरह नाल घेर लिया सी NIA दे वल्लों भेजे गए समनां दे मुद्दे उत्ते। किसान लीडरां ने कहा कि सरकार एक पासे गलबात दे राही मसला हल करन दा दावा कर रही है ते दूजे पासे ओ एजेंसियां दे राही डरावे दे रही है। किसानी अंदोलन जिहदे विच 500 संगठन जुड़े हुए ने इस अंदोलन दे नाल वख-वख किसान मजदूर संगठन ने, ते इसे दे दौरान इस अंदोलन दे चलदे हुए एक नवी पार्टी उभर के सामने आई है। ये पार्टी वड्डे वड्डे दावे कर रही है। तुहानू दस दईए कि कल अमृतसर दे विच राजेश सिंह राजू नामी व्यक्ति वल्लों इस पार्टी का आगाज़ किया गया है। इस पार्टी का नाम काफ़ी वड्डा रख्या गया है जो कि श्रोमणी सरबत अकाली जथेबंदी किसान जवान मजदूर पार्टी, ये नाम रख्या गया है इस पार्टी का। पत्रकारां दे नाल गलबात करदे हुए राजेश सिंह राजू ने दस्या है कि यह पार्टी जो कि सिर्फ किसानां दी मजदूरां दी पार्टी होवेगी। इस पार्टी के प्रधान तो लैके हर अहुदेदार हर आगू जो कि किसान होणगे जां फिर मजदूर ही होणगे, ये पंजाब दी अपनी पार्टी होवेगी। इस पार्टी दे वल्लों जेकर देश दे प्रधानमंत्री बनन दा किसे नूं मौका मिलिया तां ओह वी किसान जां फिर मजदूर ही होवेगा। ते नाल ही उन्होंने कहा कि जल्द ही श्री अकाल तख्त साहिब ते नतमस्तक हो के ओह पार्टी दे झंडे ते एजेंडे दी शुरुआत करनगे। हुण देखण वाली गल इह होवेगी कि इस नवीं बन के सामने आई पार्टी नूं आम लोग जां फिर साडे किसान किन्ना कु समर्थन दिंदे ने, दिंदे वी ने जां फिर नहीं। दिल्ली दे विच चल रहे किसानी अंदोलन दे दरमियान एक खबर होर सामने आई है कि जो किसानी अंदोलन दे विच भारतीय फौज दे बहुत सारे साबका सैनिक साबका फौजी है वह वर्दियां दे विच मौजूद ने, अपनी वर्दी पा के ते अपने तगमे पहन के उत्थे नज़र आ रहे ने ते इस इन्हां काले कानूनां दा विरोध कर रहे ने। इस सब तो बाद भारतीय फौज के द्वारा हुण साबका सैनिकां दे मैडल ते रिबन पहनण बारे एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, नवीं हदायतां जारी कर दित्तियां ने। इस एडवाइजरी के अनुसार भारतीय फौज के मैडल जां फिर रिबन सिर्फ फौज के नियमों तहत साबका सैनिकां दे द्वारा पहनने जाने चाहिए ने, ते भारतीय सेना के जो नियम आए ने उन्हां दे अनुसार राजनीतिक रैलियां दे विच जां इस तरह के विरोध प्रदर्शन दे विच फौजियां जां साबका सैनिकां नूं मैडल जां रिबन पहनण की आग्या नहीं है। सेना दे सूत्रां दे ने कहा है कि फौजी वर्दियां फौजी मैडल जां रिबन किसी भी राजनीतिक रैलियां दे विच साबका सैनिकां नूं नहीं पहनने चाहिए। भारतीय सेना दे नियम इसकी आग्या नहीं देंदे। ये मिलटरी एडवाइजरी दसदी है कि उस समय जारी की गई है जदों कई साबका सैनिक राजनीतिक पार्टियां दीआं रैलियां अते विरोध प्रदर्शनां दे विच फौजी वर्दियां मैडल ते रिबन पाए गए वेखे गए ने। यह मनिया जा रहा है कि किसान जेकर 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च कढ़दे ने जरूर कढ़णगे, जिवें कि किसान आगुआं ने ऐलान किया है, ते उस अंदोलन दे विच जिन्ने भी शामिल साबका फौजी होणगे ओह अपनी वर्दी ते अपने मैडल तगमे पहन के जा सकदे ने। उधर इस वड्डा दिन जो कि इतिहास सिरजन जा रहा है 26 जनवरी का दिन कि यह परेड जिहड़ी है इतिहास दे विच दर्ज होवेगी अजिहा कहा जा रहा है, ते इस इतिहासिक दिन दे वास्ते पंजाब दे किसानां ने हरियाणा दे किसानां ने वहीरां कत्तणियां शुरू कर दित्तियां ने परेड दे वास्ते। हुण तो ही दिल्ली दे वास्ते बहुत सारे जथे रवाना हो रहे ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे हेठ कई वड्डे काफले
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਹੈ जो हज़ारों की गिनती विच किसान औरतों ते बजुर्गों नू लैके दिल्ली वास्ते गया है। किसानों ने दस्या है कि दिल्ली जाण दे लई किसान जथेबंदियां वालों पहलां तों कीते ऐलान दे मुताबक किसी भी पिंड दे विच एक बार भी जाके सद्दा देण दी लोड़ नहीं पई। किसानों दे नाल नाल आम लोग भी दिल्ली जाण दे वधेरे इच्छुक दिखाई दिते ने, जिस करके हर पिंड दे विचों तीन तीन ट्रालियां ते छोटे पिंडां दे विचों दो दो ट्रालियां जा रही ने। इन्हां ट्रालियां दे पिछे ट्रालियां दे विच एक ट्राली जिहड़ी ओह बीबियां दे वास्ते औरतां दे वास्ते राखवीं कर दित्ती गई है, क्योंकि औरतां ज़्यादा इच्छुक ने, वधेरे चाहवान ने दिल्ली जाण दीआं। उधर हरियाणा की जेकर गल करी जाए तो हरियाणा के किसान उत्थों दीआं औरतां भी किसी नालों घट नहीं आ। उन्होंने भी जोर शोरों उत्ते दिल्ली दीआं 26 जनवरी की परेड नूं लैके तैयारियां आरंभियां हुई ने। गणतंत्र दिवस मौके होने वाले मार्च दीआं तैयारियां दे विच हरियाणवी औरतों का वड्डा काफला ट्रैक्टरां दे विच हिस्सा लवेगा। पिछले कई दिनों तो औरतां ट्रैक्टर चलाना सिख रही ने, तो इन औरतों का कहना है कि किसानों उत्ते जबरी थोपे जा रहे कानूनों का विरोध करना वो भी जानदियां ने। जदों तक केंद्र सरकार तिन्ने कानूनों नूं रद्द नहीं करदी उदों तक वो भी संघर्ष दे विच डटियां रहणगियां। प्रदर्शन कर रहे किसानों के विचालों जां कह लो कि दिल्ली धरने तो जिहड़ी एक होर खबर सामने आई है कि जो किसान लगातार पिछले कई महीनों तो प्रदर्शन करते जा रहे ने, कई तरह दियां उत्थे उन्हां नूं दिक्कतां दा सामना भी करना पै रहा है। बहुत सारी अत दी ठंड दे विच उत्थे बैठे हुए ने, ते उसे ठंड दे विचाले कई बार मीह भी पै चुका है, पर फिर भी किसानां दे हौसले बुलंद ने, वो वापस घरां नूं नहीं मुड़ रहे। इसे दे दौरान जिहड़ी एक होर खबर आई है कि उत्थे बैठे किसानां नूं कई तरह दियां बीमारियां भी घेर रही ने। सिंगू टिकरी ते गाजीपुर बार्डर उत्ते बैठे किसानों नूं तनाव की जिहड़ी परेशानी है, ब्लड प्रैशर, शूगर अते जोड़ां दे विच दर्द की शिकायत भी शुरू हो गई है। लोग बार्डर उत्ते यही मान के आए सी कि कुछ दिनों दे विच ओह वापस घरां नूं परत जाणगे, पर अंदोलन इन्ना लंबा हो चुक्या है, ज़्यादा लंबा चलण करके मनिया जा रहा है कि उन्हां दीआं दवाइयां खत्म हो गई ने, जिदे तो बाद हुण बार्डरां दे उत्ते ही हर 500 मीटर की दूरी उत्ते सिहत कैंप लग चुके ने, ते ब्लड प्रैशर, शूगर, बुखार, दर्द आदि दीआं दवाइयां दित्तियां जा रही ने। एक दिन दे विच एक कैंप च 3 तों 4 हज़ार लोग सेहत जांच वास्ते आ रहे ने, ते शहरी पानी जो कि पूरा साफ पानी भी नहीं है, वह पीन करके डायरिया की परेशानी भी कुछ किसानों नूं जरूर आ गई सी, पर हुण डायरिया नूं काबू जरूर कर लिया गया है। किसानों का कहना है कि वह 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च कढ़न दे लई नाल ही वह लोगों वास्ते पानी दीआं पेटियां भी लैके जाणगे। कई पेटियां उन्होंने पहला ही वह दे चुके ने, ते होर भी लोगों के वास्ते ये पानी दीआं पेटियां लैके जाणगे कि उस दिन किसी नूं भी परेशानी ना आवे। बार्डर ते लोगों की मदद वास्ते मौजूद डेंटिस्ट नवकिरण का कहना है कि इत्थे लोगों की गिणती वधन के नाल नाल चिकित्सा कैंपां की गिणती भी वधदी जा रही है। कैंप के लोगों नूं हर किस्म दीआं दवाइयां मुहैया करवाइया जा रही ने। जेकर कि अजिही स्थिति आ जाती है कि किसी मरीज़ की सेहत के अनुसार कोई दवाई कैंप के नहीं होंगी, तो उस मरीज़ नूं बाहरों दवाई खरीद के दिती जाती है। लोगों नूं मुढ़ली सहायता देने का प्रबंध पूरा है, साफ सफाई का उत्थे पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि लोगों नूं गंदगी कारण किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पवे। किसानी अंदोलन तो हट के मौसम विभाग के वलों मौसम संबंधी की नवी अपडेट है उस बारे भी दसते जाते हाँ। मौसम विभाग ने पंजाब दे विच येलो अलर्ट जारी कर दिता है। सूबे दे विच मीह पैण दे नाल नाल धुंद का भी अनुमान है। पंजाब दे विच 2 दिनों वास्ते भारी सर्दी पै सकती है, संघनी धुंद की चेतावनी भी है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के पहले हफ्ते सर्दी घट जाएगी, हालांकि ये पूरा महीना ठंडा रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 23 जनवरी तो फिर पछमी गड़बड़ी सरगर्म होगी, 2 दिन वास्ते मीह पवेगा, पर उदे तो बाद मौसम साफ हो जाएगा। खबरों के इस बुलेटिन के विच इना ही, दोबारा मिलेंगे, तदों तक वास्ते दिओ इजाजत, धन्यवाद।